मैंने मजलिस का आगाज मशहूर सूरा सूरह कौसर से किया। ये इतना रिकमेंडेड सूरा है, ये सूरा मेरी मजलूम बीवी के लिए है, इसीलिए मैंने इसकी पहली आयत पढ़ी कि अपनी मुसीबतों में अपनी परेशानियों में बार बार बोल रहा मजलूम बीवी जहरा से बड़ा कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं। अल्लाह की बारगाह में जो जल्द से जल्द कबूल होने वाला वास्ता है ये मादर हसनैन का है, मजलूम बीवी का वास्ता। या जहरा अदरिकनी, या मजलूम बीवी जहरा अदरिकनी, इसकी एक तस्वीर पढ़ो, बस दो जुमले, या मजलूम बीवी जहरा। बीवी के साथ हमेशा मजलूम जरूर बोलो, इसलिए कि कायनात की मजलूम तरीन खातून का नाम बीवी जहरा है। तो या मजलूम बीवी जहरा, या मजलूम बीवी जहरा अदरिकनी कर, इन्हें बीवी जहरा मजलूम बीवी आप मेरी मदद करो, जब भी खुद लाख बार खुदा ना कर सको आपकी परेशानी आए, कोई तकलीफ हो, कोई मुसीबत हो, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आप बीवी का नाम लेके दुआ करो, या मजलूम बीवी जहरा अदरिकनी, या मजलूम बीवी जहरा अदरिकनी। रोजाना कम अज कम 110 मरतबा या 118 मरतबा इन अयाम में ये बीवी का नाम की तस्वीर पढ़ो। और खातिला ने शहजादिये कौनैन पे लानत करना, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, अल्लाहुम्मा लान खतलतल मजलूम बीबी जहरा बोलो, ये तो हर कोई बोल सकता जो भी कातिल है, ये भी लाजिम पढ़ना इन अयाम में, अल्लाहुम्मा लान खतलतल मजलूम बीबी जहरा, अल्लाहुम्मा लान खतलतल मजलूम बीबी जहरा। जैसा आशूरे के दिन आप 1000 मरतबा बोलते हैं अल्लाहुम्मा लान खतलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबुल हुसैन, उसी तरह आप जैसा मौला की शहादत के अय्याम में बोलते हैं अल्लाहुम्मा लान खतलतल अमीरल मोमिनीना, उसी तरह इन अय्याम में ये 17 से 18 दिन है, ये टोटल गम के दिन है, याद रखो, सबको बोल रहा कि ये कंप्लीट आज से लेके 3 जमाद सानी तक ये अय्याम फातिमिया है, ये बीवी के अय्याम है, बीवी के गम के अय्याम है। आगाए वहीद खुरासानी अल्लाह उनको सलामत रखे, माशाल्लाह ईरान में मौजूद है, हमारे इस दौर का एक अजीम मर्जा है, उन्होंने इस पे ताकीद की है कि कसरत से करो गमे फातिमत जहरा सलामुल्लाह अलैहा, कसरत से करो, उनका हक है, सबसे बड़ा हक, जैसे तुम मौला हुसैन का गम कसरत से करते, जैसे अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम का करते, सारे मासूमीन का करते, उसी तरह बीवी का गम। ये मत बोलो कि आप शहादत हो गई तो हम आगे क्यों करें, वो शहादत में मिलेंगे, नहीं, ये शुक्र अदा करो कि तुमको इतना मौका मिल रहा कि तुम इतने दिन अपने घर में फर्श अजा बिछा रहे। मैं सारी मेरी माँ बहनों को बोल रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एक तालिब इल्म, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर तुमने मजलूम बीबी जहरा का गम मुसलसल किया 3 जमात सानी तक, उसके बाद देखो कि बीबी अता क्या करती, इमाम क्या अता करता, एवरी डे सुबह उठ के न्यूली मैरिड कपल या होने वाला या जो जिंदगी गुजार रहे हैं उन सब के लिए बोल रहा, रोज सुबह उठ के मजलूम बीबी जहरा की तस्बीह पढ़ो, मैं इंशाल्लाह तस्बीह पे बोलूंगा, तस्बीह है मजलूम बीबी जहरा पढ़ो, पढ़कर अल्लाह की बारगाह में फजर एक तस्बीह तो आप पढ़ते हैं नमाज के बाद, कबूलियत नमाज है, लाजिम पढ़ो, हर नमाज के साथ पढ़ो, एक एक्स्ट्रा तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की मदा 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभानअल्लाह, कोई बड़ा चीज नहीं है, तस्बीह मजलूम बीबी जहरा एक अलग तस्बीह पढ़ के अपनी लाइफ के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, पूरा दिन पीसफुल गुजरने के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत होने के लिए, शौहर और बीवी में मोहब्बत के लिए, रिस्क के लिए, सुकून के साथ जिंदगी गुजरना, अल्लाह की ये तस्बीह पढ़ो जो मजलूम बीबी जहरा से मंसूब, और ये बोल के दुआ करना, तस्बीह पढ़ लो, हाथ में सिजदे का ले लो, हाथों को बुलंद कर दो, करके बोलो परवरदिगार तुझे तेरी कनीज खास का वास्ता, मेरी मजलूम बीबी जहरा और इमाम अली अलैहिस्सलाम का वास्ता, आज मेरा दिन बड़ा सुकून से गुजर जाए, सेहत के साथ गुजरे, बीमारियों से बचे, मैं, मेरी हस्बैंड, मेरा बच्चे रिस्क खुला रहे, हम लोगों में मोहब्बत रहे, उसके बाद सारे लोगों की ये दुआ करो कि परवरदिगार सबको, सारे कनीजे मजलूम बीबी जहरा को सुकून अता कर दे, हर घर में सुकून अता कर, इस और वास्ता देना तस्बीह मजलूम बीबी जहरा का, कि परवरदिगार इस तस्बीह मजलूम बीबी जहरा का वास्ता, तो सबके घर एक 5 मिनट का ये अमल है, बट दिस कैन चेंज योर लाइफ, दिस कैन चेंज योर लाइफ,
बिलीव मी, उन घरों में जिन जिन घरों में ये होता है, उनके घरों में, उनके हस्बैंड एंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम, या एक ऐसे ऐसे स्टेजेस आ गए थे कि डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी। लेकिन तस्बीह मजलूम बीबी जहरा, ये वो मोजिजा है, अगर आपको पता चल जाए कि इसका सवाब क्या है, इसका करम क्या होता है अल्लाह का, एक कैसे रहमत खुदा पहुंचती, कैसे आपके ऊपर मदद आती है तस्बीह बीबी जहरा।